गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। बच्चे आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कहता है, इफ़ योर हैंड एक्सीडेंटली टचेस द हॉट लिड ऑफ अ वेसल, व्हाट इज योर रिएक्शन। कहता है अगर अचानक से आपका हाथ जो है वो किसी वेसल के क्या लिड ढक्कन के साथ, गर्म ढक्कन के साथ टच हो जाए, तो व्हाट इज योर रिएक्शन, आपका रिएक्शन क्या होगा। द सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑल अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इज द नर्वस सिस्टम। कहता है वो सिस्टम जो क्या करता है, बॉडी के बाकी सारे सिस्टम्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, वो सिस्टम कौन सा है, हमारा नर्वस सिस्टम। तो बच्चे आज हम उसी के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। इट इज मेड अप ऑफ द ब्रेन। नर्वस सिस्टम किस किस से बना होता है, ब्रेन से, द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको आप रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से, एंड द नर्व्स, और नर्व्स क्या हमारी जो नाड़ियां हैं, ठीक है, उनसे बना हुआ है। तो नर्वस सिस्टम ओवरऑल क्या हो गया, जिसके अंडर हमारा ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है और नर्व्स आती हैं। द नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कहता है नर्व्स क्या करती हैं, जितने भी मैसेजेस होते हैं वो कैरी करती हैं, वो लेके जाती हैं बॉडी के हर पार्ट तक, ठीक है, हर सॉरी बॉडी के हर पार्ट का मैसेज लेके जाती हैं, टू द ब्रेन, ब्रेन तक, थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। द ब्रेन स्टडीज द मैसेजेस। कहता है ब्रेन जो है वो क्या करता है, स्टडी करता है उन मैसेजेस को, एंड डिसाइड व्हाट द एक्शन नीड्स टू बी टेकन, और डिसाइड करता है कि हमें अब क्या एक्शन जो है वो लेना चाहिए, एंड सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू द बॉडी सिस्टम थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। और क्या करता है, फिर वो इंस्ट्रक्शन सेंड करता है कि भाई हमें ये रिएक्शन अब लेना है, ठीक है, किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल जैसे अगर वही कि आपकी हॉट लिड मतलब गर्म ढक्कन जो है वेसल का, अगर उसके साथ आपका हार्ट टच होता है, तो हमारा ब्रेन जो है ये चीज़ रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है, कि भाई गर्म चीज़ है ये, तो फट से इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई हाथ पीछे करो, तो हम फट से क्या कर लेते हैं, अपना हाथ जो है उसी वक्त क्या कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं। और बच्चे ये बहुत ही जल्दी होने वाले रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, मतलब सेकंड्स भी नहीं लगते हमें ये रिकॉग्नाइज करने में कि भाई ये चीज़ गर्म है, तो अब हमें क्या करना है, अपना हाथ जो है वो पीछे करना है, ठीक है। द नर्वस सिस्टम हेल्प्स अस टू रिएक्ट टू आवर सराउंडिंग्स। कहता है नर्वस सिस्टम ही हमारी मदद करता है कि हमने अपनी सराउंडिंग्स में, मतलब अपने आसपास में जो है वो कैसे रिएक्ट करना है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू थिंक, यही हमारी मदद करता है थिंक, सोचने में, लर्न करने में, याद करने में, एंड रिमेम्बरिंग थिंग्स, और चीज़ों को याद रखने में। देन इसका सबसे पहला पार्ट जो है वो क्या है, ब्रेन। अब हमारा ब्रेन जो है वो क्या करता है, ठीक है, और ब्रेन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कहता है द ब्रेन इज द मास्टर ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। कहता है ब्रेन जो है ये क्या है, मास्टर ऑर्गन है किसका, हमारी ह्यूमन बॉडी का। इट सेंड्स मैसेजेस टू एंड रिसीव फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन्स। कहता है अब ये क्या करता है, सेंड करता है मैसेज को और रिसीव करता है मैसेज को, कहाँ, हमारे सारी बॉडी पार्ट से, थ्रू किसके थ्रू, अलग अलग काइंड के सेल्स के थ्रू, नर्व्स के थ्रू, या फिर न्यूरॉन्स के थ्रू। और न्यूरॉन्स कहते हैं हमारे सेल ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय हार्ड बोनी स्कल। अब क्या कहते हैं कि ये क्या होता है, प्रोटेक्ट किया होता है हमारा ब्रेन, हार्ड बहुत ही सख्त बोनी मतलब हड्डी की बनी हुई स्कल, स्कल क्या होती है, जो प्रोटेक्ट करती है हमारे ब्रेन को, ठीक है। द ब्रेन हैज थ्री पार्ट्स। अब कहता है ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं, द सेरेब्रम एंड द मेड्यूला। तीन पार्ट से हमारा ब्रेन बना होता है, सेरेब्रम, सेरेब्लम और मेड्यूला, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेरेब्रम के बारे में। कहता है द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम जो है ये क्या है, सबसे बड़ा पार्ट है किसका, ब्रेन का।